नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और कुट्टू के आटे की बहुत ही टेस्टी, ये देखिए पकौड़े बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेंगे जो कि व्रत में पेट भर जाएगा आप खाएंगे। और ये धनिया और मूंगफली की चटनी बहुत ही टेस्टी बने हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेंगे, पेट भी भरेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने उबले आलू ले लिए हैं, तो इन्हें हम फोड़ लेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह फोड़ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने आलू फोड़ लिए हैं, तो इसमें हम ये हमने एक गाजर ले ली है कद्दूकस करके, इसे भी डाल देंगे। देखिए ये धनिया लिया है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे, व्रत वाला नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इन्हें मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने मिला लिया है, इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं पूरे आलू के। ये देखिए ये हमने कुट्टू का आटा लिया है, इसे डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और ये धनिया, अब इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए पानी डालते हुए इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए घोल बना लिया हमने इस तरह। तो ये देखिए हमने देसी घी डाला है, ये गरम हो गया, और ये बोंडा जो हमने बनाए इसमें, ये देखिए इस तरह डालेंगे ये घोल में डालते हुए, इसी तरह हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा चटपटा नाश्ता बनके तैयार होगा व्रत वाला। ये देखिए अच्छे से सिक्स पे हमने निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू बोंडा बनके तैयार हो चुके हैं व्रत वाले। तो वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।